हाय नमस्ते दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत अभिवादन और अभिनंदन है। लॉकडाउन 5 का आज 15वां दिन है और हम वेस्टर्न थार डेजर्ट में खड़े हैं और वेस्टर्न थार डेजर्ट में जैसा आप जानते हैं यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले सैंडोस और है जिसके कारण यहाँ पर जमीन की समतल नहीं है और जमीन कभी एकदम से ऊंचान है और कभी ढलान है। तो इस ऊंचान और ढलान के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाना एक कोई सरल और सामान्य काम नहीं है और इस ढलान के को या ऊंचान को रेलवे की भाषा में रेलवे का ग्रेडियंट कहते हैं। इस ढलान में ट्रेन की गति को नियंत्रित करने में और ढलान पर ऊंचा चढ़ने में किसी भी रेल ट्रैक को बिछाने में ग्रेडियंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ग्रेडियंट बनाने में क्या और इसके डिजाइन में एक निश्चित अनुपात रखा जाता है, नॉर्म्स रखे जाते हैं। ये चार प्रकार के ग्रेडियंट्स होते हैं। पहला है जैसे राइजिंग ग्रेडियंट यानी कि चढ़ाई की ओर ट्रैक जिसमें गाड़ी चढ़ाई करती है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं और इसके एलिवेशन को किस अनुपात में बांटा जाए इसके लिए रेलवे ट्रैक को बनाते हुए राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट यानी कि क्लाइंबिंग और स्लाइडिंग बनाते समय एक मानक स्तर अपनाना होता है जिससे कि रेलगाड़ी अब एक निश्चित ऊंचाई पर निर्बाध रूप से लोड लेके चढ़ सके और उतर सके और वो भी गाड़ी के बिना कपलिंग टूटे हुए। तो दोस्तों आज हम राजस्थान के वेस्टर्न थार डेजर्ट में हैं और आज का जो ब्लॉग है वो मैं एकदम रुचिकर और बहुत इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर पहाड़ी घाट सेक्शन है यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव है और इस उतार चढ़ाव पे रेलवे का ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है। तो मैंने देखा है हमारे राजस्थान में भी इसमें बहुत प्रचुरता और विविधता से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले हैं और उस पे से हमारी ट्रेन जब निकलती है तो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बेहतरीन और सैंडी कैनवास के अंदर हमारे को दिखाई देती है जिसके अंदर इसके ग्रेडियंट को दिखाई देता है और उसके लिए मैंने आज ये आपके लिए वीडियो पेश कर रहा हूँ। मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आएगा। इसके मैं लगभग 2-3 भाग बनाऊंगा। तो पहला भाग ये बीकानेर से कोलाइज सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर ये मैं इसको बनाने जा रहा हूँ और आज के वीडियो में हम एकदम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है रेलवे ट्रैक का ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट होता क्या है इसकी बात हम करते हैं। जो भी चढ़ान या ऊंचाई है उसको ग्रेडियंट कहते हैं, चढ़ने वाले को राइजिंग ग्रेडियंट और जो ढलान है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ट्रेन बिल्कुल नीचे की ओर आ रही है लंबी मालगाड़ी, ये फॉलिंग ग्रेडियंट कहलाता है, ढाल युक्त ग्रेडियंट। रेलवे ट्रैक को राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट में एक मानक स्तर अपनाना होता है जिससे कि रेलवे के अंदर कोई भी ट्रेन अपना फुल लोड लेके जो चल रही है, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव डीजल इंजन जो भी फुल लोड लेके चल रहा है, वह निर्बाध गति रूप से चढ़ाई चढ़ सके और वापस उतर सके और वो भी गाड़ी के कपलिंग बिना टूटे हुए। तो दोस्तों यही आज हमारा आज का सेक्शन है। देखिए बहुत दूर का मैंने जूम लिया है, ये बीकानेर से कोलाइज सेक्शन के बीच में एक बहुत सुंदर ग्रेडियंट का व्यू है जो यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन सीन मिलने को आएंगे आपको। तो राजस्थान भी हमारा विविधता से और रेल फैलिंग से कम नहीं है किसी के मामले में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी भी रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए ग्रेडियंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रेडियंट और इसका डिजाइन का पैमाना चार प्रकार के माने जाते हैं, एक तो है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा है पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट, तीसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट और चौथा है ग्रेडियंट इन स्टेशनयार्ड। रूलिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ये चढ़ाई की ओर जब गाड़ी चढ़ रही है जिसके गाड़ी को धीरे धीरे चढ़ाई की ओर चढ़ रही है तो इसको ये एलिवेशन के अंदर इसकी चढ़ाई के अंदर एक निश्चित मात्रा होती है कि कितने डिग्री एंगल पर इसको बनाया जाए। राजस्थान में प्रति 200 मीटर की दूरी चलने पर 1 मीटर की हाइट को गेन करने के लिए ग्रेडियंट बनाया जाता है यानी कि हर 200 मीटर पर 1 मीटर आपकी हाइट बढ़ जाएगी और ये ग्रेडियंट कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। और इसी प्रकार जब ये ढलान से उतरेगी तो ये कहलाएगा फॉलिंग ग्रेडियंट। तो जब हम ऊंचाई से ढलान की ओर ट्रैक स्लाइड करती है, ट्रेन स्लाइड करेगी तो इसे फॉलिंग ग्रेडियंट कहते हैं और यह प्रति 200 मीटर दूरी पर 1 मीटर डाउन आ जाता है, 1 मीटर हाइट पे नीचे आ जाता है और इसको कहते हैं फॉलिंग ग्रेडियंट यानी कि 200 मीटर आगे चलने पर 1 मीटर डाउनिंग। जो रूलिंग ग्रेडियंट है वह इसके लिए पैमाना या नॉर्म्स जो है प्रति 1 से 150 या 1 से लेकर 200 मीटर दूरी चलने पर 1 मीटर ऊंचाई इसको प्रदान की जाती है, ये रूलिंग ग्रेडियंट के नॉर्म से पैमाना है और इस मानक को ही ग्रेडियंट कहलाते हैं। समतल जैसे राजस्थान के समतल और प्लेन एरिया है, यहाँ पे थार डेजर्ट के सैंड ड्यून से उतार चढ़ाव है तो इसलिए 150 से 200 मीटर की दूरी पर 1 मीटर ऊंचान या 1 मीटर ढलान की इसमें इजाजत दी जाती है, परमिशन दी जाती है। दूसरा है पुशर ग्रेडियंट और पुशर ग्रेडियंट जब आप देखा है कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये सारे बंगलोर के अंदर, भोर घाट के अंदर और कसारा घाट के पास ये जितने भी हैं हिली एरिया है यहाँ पर अक्सर ये पुशर ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है इन इलाकों में ग्रेडियंट के
मानकों के विपरीत चढ़ाई और ढलान बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसी अवस्था में पुशिंग रेडियो की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कि एक ट्रेन के पीछे एक और लोकोमोटिव इस ट्रेन को ऊपर की ओर पुश करता है, धकेलता है। और यह यहाँ पर हाइट है 37 मीटर, चलने पर 1 मीटर ऊंचाई प्रदान की जाती है। कहाँ हमारे राजस्थान में 200 से 400 मीटर पर 1 मीटर दी जाती है, और यहाँ केवल 37 मीटर चलने पर 1 मीटर ऊंचाई पर इसकी ग्रेडिएशन दे दी जाती है। इसमें दो इंजन लगते हैं, पुशर इंजन, जबकि मानक स्थिति 200 की होती है। ऐसा पुशिंग ग्रेडियंट एकदम सटीक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मुंबई से इगतपुरी के मध्य कसारा रेलवे स्टेशन है, वहां पर यह दिखाई देता है। इसे थुल घाट के रूप में जाना जाता है। थुल घाट के अंदर यह बहुत प्यारा दिखता है। और मुंबई से पुणे मार्ग जाने पर भी भोर घाट भी इसका एक सटीक एग्जाम्पल है, जो कि पुशिंग ग्रेडियंट का एग्जाम्पल है। तीसरा है स्टेशन यार्ड और ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ प्लेन जगह है वह स्टेशन या उस जगह पर यह लगभग 1 मीटर ऊंचाई चढ़ाने के लिए 1200 मीटर दूरी इसमें पर्याप्त बताई गई है। और यह कम से कम 1 मीटर में 400 मीटर तक का भी हो सकता है। जहाँ गुंजाइश नहीं वहाँ 400 मीटर पर चलने पर 1 मीटर की हाइट प्रदान की जाती है। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रकार के ग्रेडियंट है। अब यह मोमेंटम ग्रेडियंट, इसके द्वारा जब ढलान में ट्रेन की गति को नियंत्रित करने के काम ये आता है। इसके लिए ढलान पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिससे गाड़ी ज्यादा रफ्तार प्राप्त कर लेती है। और इसके को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए इसके विपरीत लोकोमोटिव को सौंपे गए लोग बहुत पर्याप्त नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये हमारा ऐसा वीडियो था, मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना। दोस्तों, आपका सहयोग वांछित है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट देंगे तो राजस्थान के में एक ही वीडियो में भी कोलाई सेक्शन पर बनाया है, 2-3 बढ़िया बढ़िया सेक्शन है, जहाँ पर सभी तरह के बढ़िया कर्व्स हैं और अच्छे ग्रेडियंट है। ये मैं आपको हर मेरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो, आपको कैसा लगा कृपया करके बताना। ये मालगाड़ी है, जिसको कहते हैं कि पाइथन मालगाड़ी है, जो बहुत लंबी मालगाड़ी है, और यहाँ पे ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, आपका दिन बहुत मंगलमय हो, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और वीडियो ऐसे ही देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आपका सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद उस सहयोग के लिए, और सहयोग आपका आगे भी अपेक्षित है, वांछित है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो देखने के बाद जिन भाइयों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार के आपको मिलते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये मेरा प्रयास अच्छा लगा। तो आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, ताकि इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं और आगे उत्तरोत्तर नए वीडियो बनाने के प्रयास में लग जाता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपने जो इतनी वीडियो देखकर अपना कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, भगवान आपका दिन उत्तरोत्तर अच्छा करता जाए। गुड बाय।